राज्य में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने लगे हैं और अभी तक 7 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। उनमें से एक यूपी के गोला गोकर्णनाथ और दूसरी बिहार के गोपालगंज की सीट है। हरियाणा के आदमपुर सीट पर भी बीजेपी के भव्य विश्नोई ने जीत हासिल की है। बिहार की दूसरी सीट मोकामा में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी ने जीत हासिल की है। ओडिशा के धामनगर में बीजेपी आगे चल रही है। तेलंगाना की सीट पर टीआरएस ने बढ़त बना रखी है। छह राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती का दौर आगे बढ़ने के साथ ही शह और मात के नतीजे मुकाम तक पहुंचने लगे। जीत के दावेदारी वाले बयान मतगणना के साथ जोश में बदलने लगे। बिहार के मोकामा विधानसभा सीट पर वोटों की बढ़त मिलते ही आरजेडी खेमे में जश्न शुरू हो गया। यहां आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया। अनंत सिंह की आवाज पर एक दिन पहले से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खाने पीने की व्यवस्था की जा रही थी। निर्णायक बढ़त मिलते ही मिठाइयों का दौर भी शुरू हो गया। चुनाव जीतने के बाद नीलम देवी का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि नीतीश कुमार ने उनके लिए प्रचार नहीं किया। हम पहले ही कह चुके थे कि कहीं कोई टक्कर नहीं है, जीत एकदम पक्का है। आप एक जगह सुन रहा था, ये भी कह रहे थे कि आप चाह रही हैं कि अनंत सिंह जी से बड़ी जीत हासिल करें। वो तो तेजस्वी जी बोले हमारे जो नेता है तेजस्वी जी बोले। आपको लगता है कि मतलब अनंत सिंह जी का भी फायदा हुआ, उनका जो एक प्रभाव है क्षेत्र में उससे भी आप लोगों को फायदा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो विकास किए हैं मोकामा में, जो जनता के सेवा किए हैं, उसका तो उसी का तो बेनिफिट हमको मिल रहा है। बिहार की गोपालगंज सीट पर मुकाबला सबसे दिलचस्प रहा। यहां कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम देवी ने बाजी मार ली है। मेरे साथ है सब कोई, जनता मेरा साथ दिया है, मेरा परिवार साथ दिए है, सबको जीत ही मेरा जीत है। जो विकास नहीं हुआ है उसको हमको पूरा करना है। गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद मिला है? सबका आशीर्वाद मिला है। आप गोपालगंज जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गोपालगंज जनता के भी धन्यवाद दूंगी कि उन्हीं का जीत मेरा जीत है। यूपी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी ने चुनाव जीत लिया है। यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधा मुकाबला था। बीजेपी ने यहाँ से दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया। बीएसपी और कांग्रेस ने यहाँ अपने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए थे। वोटों की गिनती से पहले बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी दोनों ही पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुँचे थे। हरियाणा के आदमपुर में भजन लाल परिवार के एक और सदस्य का सियासी लॉन्चिंग हो चुकी है। कुलदीप विश्नोई के बीजेपी से जाने के बाद उनके बेटे भव्य विश्नोई को पार्टी ने टिकट दिया है। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट से बीजेपी के हटने के बाद शिवसेना के उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके की जीत तय मानी जा रही थी और हुआ भी वही। मतदान केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में उद्धव गुट के कार्यकर्ता जमा हो चुके हैं। कुल मिलाकर उपचुनाव के नतीजों के साथ सियासी रुझान की नई तस्वीर को लेकर जबरदस्त हलचल है। आज तक ब्यूरो।